गूगल मैप्स पे जो लोकेशन है वो बराबर नहीं है। तो आज यार सुबह सुबह मैं निकला हूँ जाने के लिए सीक्रेट वाटरफॉल इन तामिनी घाट। तो देवकुंड वाटरफॉल जो है, देवकुंड वाटरफॉल से बस थोड़े ही दूर पे एक और सीक्रेट वाटरफॉल है। और दूसरी बात, तामिनी घाट के और कुछ पॉइंट्स भी हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खतरनाक। हम लोग निकले 4 बजे मुंबई से। ये भाई साहब, ओ हो हो हो, अभी जो पाली का गणपति है वो रोड पे हम लोग चल दिए हैं। वहाँ से एक्चुअली अपने को और आगे जाने का है टूवर्ड्स तामिनी घाट। तो अभी हम ज़रा सीक्रेट लोकेशन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो भाई हम लोग पहुंच तो गए यहाँ पे। तो मैं कब से जो बोल रहा हूँ सीक्रेट वाटरफॉल तो भाई नाम ही है इसका, और कुछ नहीं। तो बेसिकली 300 रुपीज़ एंट्री है यहाँ पे आने के लिए। तो उसमें आप अंदर जाओगे तो वहाँ पे सेफ्टी जैकेट और वो सब भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसमें इंक्लूडेड है चार्जेस है। नंबर मैं नीचे डाल दूंगा, उसको कांटेक्ट करके आप यहाँ पे आ सकते हो। बुकिंग करना पड़ता है। पार्किंग वाला जो लोकेशन है वहाँ से तो 5 मिनट में पहुँच जाएंगे लोकेशन पे। ज़्यादा चलना नहीं है और ज़्यादा टफ चलना भी नहीं है। गूगल मैप्स पे जो लोकेशन है वो बराबर नहीं है, क्योंकि मैंने देखा था वो बहुत अलग जगह पे है। इसका लोकेशन मेरे डिस्क्रिप्शन में जो रहेगा वो देख के आना और वहाँ पे ही आके बात करना। जो भी नंबर वगैरह रहेगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ये मतलब लिटरली ऐसे जैसे पार्क में चल रहे वैसे ही चलना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी 2 मिनट चल के हुआ नहीं और पानी का आवाज़ आ रहा है। तो वाटरफॉल के पास तो पहुँचे हम लोग। इतना बड़ा वाटर क्रॉसिंग, तो चल के ही आ गया सीधा। ये लेकिन ना मतलब ये सब लॉकडाउन में बना हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन में ये पॉइंट जो है वो बहुत फेमस हो गया था। तो पिछले 2 साल से इतना डेवलप हुआ है, नहीं तो क्या लोकल लोग और यहाँ पे जो आते थे घूमने के लिए वगैरह, तो रिलेटिव्स वगैरह किसी के वो आते थे। तो मेरा एक फ्रेंड जो है उसने मेरे को ये वीडियो दिखाया था, तो मेरे को तब से जाने का तो मन था यहाँ पे। बट अभी गर्दी देख के तो लग रहा है कि भाई कुछ ज़्यादा ही गर्दी है यहाँ पे। तो एक करेक्शन है, जो मैंने बोला था कि 300 रुपये का टोटल आपको एंट्री यहाँ पे फी लगेगा, तो उसका बेसिकली ऐसा है कि 100 रुपये का एंट्री है सिर्फ अगर आपको वाटरफॉल के पास आना है ऐसे तो। और अगर आपको प्रॉपर गाइड चाहिए और लाइफ जैकेट वगैरह पहन के आपको क्लिफ जंपिंग करना है तो वो करने के लिए आपको सिर्फ 300 रुपये देना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप 100 रुपये दे के भी आ सकते हो। चप्पल वप्पल यहाँ पे निकालना, दारू वारू मत पीना। यहाँ पे देवी का जागरूक स्थान है, तो जागरूक स्थान यानी एक्टिव लोकेशन है, तो यहाँ पे यार थोड़ा संभाल के ये सब करो। भाई दारू वारू है तो भाई दूरी रखो यहाँ पे। और क्लिफ जंपिंग करना है तो वैसे भी यार कौन पीता है यार। भाई यहाँ पे आना है तो यार 300 रुपये भर के ही आना पूरा, पानी में तो जाना पड़ेगा तो। वो नीचे क्या मज़ा रखा है वो तो मतलब कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। ये जो लोग कर रहे हैं कोई भी कर सकता है। नहीं। हाँ मायगढ़ जेवन होता है। मैं लास्ट संडे जो जल चुका हूँ ना, 5 घंटे पानी में बैठे थे हम लोग उधर। सब लोग क्लिफ जंपिंग करने वाले हैं तो हम लोग भी ऊपर जाते हैं और देखते हैं। मैं तो सिर्फ देखने वाला हूँ और शूट करने वाला हूँ। अभी हम लोग रस्सी से ऊपर चढ़ने वाले हैं वहाँ पे। तो पहले तो मैं लाइफ जैकेट पहन लेता हूँ, क्योंकि ऊपर जाना है अगर स्लिप वगैरह हो के पानी में गया तो एटलीस्ट मैं नहीं डूबूंगा। कैमरा वगैरह तो मैं फेंक दूंगा बाजू में, तो देख लो वहाँ पे कैसा चढ़ रहा है वो, वैसे ही चढ़ना है। कैमरा लेके ये सब करने वाला हूँ उस टाइम। कहीं पे भी कितना भी बेकार ट्रेकिंग हो कैमरा लेके ही जाते हैं हम लोग। ये
ठीक है ग्रीप है, हाँ आ गया ऊपर, ये देखो ये अभी उतरते वक्त लगेगा रस्सी, लेकिन ये देख लो कैसा उतरना है, कुछ भी नहीं है डायरेक्ट, ये तो पानी में ये कैमरा देखोगे ना नीचे ना बड़ा सा मोनोपॉड है, सेल्फी स्टिक वगैरह नहीं, बड़ा मोनोपॉड है। वेट कितना होगा? 2 किलो। 2 किलो तो उतार नहीं, 2 किलो नहीं 1 किलो रहेगा, 1 किलो का उतार। हाँ क्या 1 किलो का व्लॉगिंग बहुत, अरे यार इजी नहीं है व्लॉगिंग। और एवरी टाइम ना तुम चढ़ के आ जाओ दो हाथ से सब जगह पे, मेरे को ये लेके आना पड़ जाएगा। अभी कौन जा रहा है जंप करने अपने में से? अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि ऊपर तो मैं आ गया हूँ, सब लोग जंप करके नीचे जा रहे हैं, मैं कैसे जाने वाला हूँ नीचे वो पता नहीं है भाई। सीक्रेट वाटरफॉल का सीक्रेट लीक हो गया, खड़े रहने की जगह नहीं है अभी गाइस। एक्चुअली दिस इज सो मच फन, मतलब ना यहाँ पे मजा आ रहा है, आपके व्यू जो देख रहे यहाँ पे, मतलब गर्दी है लेकिन तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वैसे फटाफट सब निकल जाते हैं, लाइन वाइन नहीं लग रहा है कुछ, सब एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी प्लान में थोड़ा चेंज रहने का, अभी हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली और ऊपर, और हम लोग एक्सप्लोर करने वाले जो आगे के केव्स है वो, क्योंकि वहाँ पे कोई जाता नहीं है ज़्यादा लोग, तो सब यहाँ पे ही जंप कर रहे हैं, तो आगे हम लोग देख के आने वाले हैं। तो चढ़ना है इस पे ऐसे, नीचे गया ना अगर तो डायरेक्ट नीचे है, यहाँ पे थोड़ा शायद से स्लिपरी है तो हेल्प लगेगा। ओके ये हम लोग आ गए अभी ऊपर के साइड पर, उसका टॉप ज़्यादा कोई है नहीं, यहाँ इतन जम मारता था ना, हाँ वहाँ से ये पॉइंट से जंप मारते हैं नीचे यहाँ पे भाई, इधर से ही फट रही है लोगों की ये डबल हो गया
ये भी एक कुंड है, यहाँ पे भी जंप मार सकते हैं। आवाज बहुत ज्यादा है यहाँ पे पानी का। तो ये लोग अभी जा रहे हैं वापस डुबकी लगाने और हम लोग जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। मैं आपको दिखा दूं कि भाई ये जो रस्सी से हम लोग ऊपर आए तो यहाँ से आगे जाने का भी रास्ता है। ये रिटर्न जाने के लिए अगर हम लोग, मैं जंप नहीं मार रहा हूँ तो मैंने क्या किया, जैकेट यहाँ पे उतार के रख दिया। अभी जैकेट वो लोग नीचे लेके जा रहे हैं और मैं यहाँ से चल के वो साइड जा रहा हूँ। यहाँ तक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये लोकेशन पे आपको आना है और इनफ जानकारी मिल गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप ये वीडियो देख लीजिए।